हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे हमारे 4 पीएम की क्लास, दैट इज करंट अफेयर्स की क्लास। स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स या हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट क्लियर करने के लिए। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो अवेल सम कोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल रिकॉग्निशन आईएएस। दीज आर सम ऑफ द कोर्सेज विच इज रिलेटेड विद प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल क्लास। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज। These are the available test series. Start करते हैं जरा हमारा current affairs and the first current affairs that is related with this environment topic. तो environment topic से related current affairs पहले कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी current affairs है वो है कि India third largest producer of electricity बन गया है। It is very important for you to know कि electricity हमारी एक बहुत ही important और बहुत ही जरूरी एक input है। इसके importance को देखते हुए हम लोग ये बोल सकते हैं कि IIP में कितना ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है। आईआईपी का मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको कि आप लोग अपने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ना सिर्फ केवल हाउस होल्ड के लिए बल्कि इंडस्ट्रीज एंड लगभग लगभग हर एक चीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अगर बेसिक्स के बारे में जाने तो हम लोग थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं और साथ ही हम लोग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं। दोनों ही हम लोग थर्ड नंबर पे ही आते हैं। अगर बात करें हम लोग का प्रोडक्शन होता कैसे है, तो हमारी प्रोडक्शन मेनली फिलहाल होती है कोल, दैट इज थर्मल पावर स्टेशन के जरिए। अभी फिलहाल यही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट सेकंड नंबर पे आ जाते हैं जहां से हम लोग अपनी एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। थर्ड नंबर पे वी आर प्रोड्यूसिंग इट फ्रॉम विंड सोर्स, विंड मिल्स के जरिए हम लोग निकाल रहे हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हैं सोलर के जरिए, एंड देन उसके बाद बाकी छोटी छोटी चीजें लाइक बायोमास एंड न्यूक्लियर वगैरह से हम लोग एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ द थिंग इज प्रोडक्शन मेथड लेवल, ठीक है। अब यहां पर फिलहाल जो हमारी रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट आई है की वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2019, और ये रिपोर्ट बेसिकली प्रोड्यूस किसके द्वारा मतलब कि पब्लिश किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है IEA के द्वारा। IEA मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, यूएन की सब्सिडियरी के अंतर्गत आ जाती है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। अगर थोड़ा सा अगर डेटा देखा जाए कि आखिर में जनरेशन है कितना, तो हमारी जनरेशन है 1497 टेरावाट पर आवर। तो हालांकि डेटा आपको याद नहीं रखना है, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अगर हम लोग इस साल के टारगेट के बारे में बात करें तो वी आर टारगेटिंग 175 गीगावाट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, और ये गीगावाट के बाद आप देख सकते हैं प्रोडक्शन कितनी ज्यादा हो रही है, दैट इज इन टेरावाट, और वो भी 1497 टेरावाट, यानी कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अभी भी किसका है, कोल का ही है। नियरली 60% या इनसे इस इनफैक्ट इससे ज्यादा भी कोल की ही कंट्रीब्यूशन आ जा रही होती है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर, जैसा कि हम लोगों ने बात किया, आफ्टर यूएस एंड चाइना, क्लियर है। अब देखिए रिपोर्ट पब्लिश की जाती है इसके द्वारा, तो ये चीजें आपको पता चल गई। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स आता है, दैट इज इंडिया यूएस साइंस टेक्नोलॉजी फोरम। देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक करंट अफेयर्स डिस्कस किया था जहां पे वुमेन के साइंस और एम्पावरमेंट के लिए मतलब कि जो यंग वुमेन है 21 to 45 ईयर की एज ग्रुप में है, उनको बेटर साइंस एक्सपेरिमेंट और उनके एम्पावरमेंट के लिए इंडिया और यूएस ने एक फोरम बनाया था जहां पर इन लोगों को, इन यंग साइंटिस्ट को प्रमोट किया जा रहा था। सेम वैसे ही साइंस टेक्नोलॉजी फोरम एक स्टैब्लिश की गई है इंडिया और यूएस के बीच में, और ये बेसिकली स्टैब्लिश की गई थी 2000 में, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इट्स मिशन क्या है इसका मिशन, इट्स मिशन इज टू एक्ट एज कैटलिस्ट टू प्रमोट लॉन्ग टर्म साइंटिफिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस थ्रू पार्टनरशिप अमंग इंडिविजुअल साइंटिस्ट, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस एंड साइंटिफिक कम्युनिटी एट लार्ज। तो बेसिकली क्या है कि ये साइंस के फोकस, साइंस के साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए जितना फोकस किया जा सकता है वो सारा फोकस यहां पर करता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर और कम्युनिटी, क्लियर द मिशन। ये तो खैर रिपीट हो रहा है, दिस इज नॉट कूल एनफ, ठीक है। बाकी चलिए ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपको क्या चीज है। ओके नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, ये हमारी होती है कोल बेड मीथेन। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर आपको नए एनर्जी सोर्स का पता चलेगा। हमारे पास अगर एनर्जी सोर्स के बारे में अगर बात करें तो वी हैव व्हाट, वी हैव कोल हमारे पास आ जाती है, पेट्रोलियम आ जाती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ जाती है, इसके अलावा हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास एक काफी अच्छा सोर्स होता है कोल बेड मीथेन।
एक्चुअली क्या होती है, दिस इज बेसिकली अ वेस्टेज प्रोडक्ट, ये वेस्टेज हो जाती है सेम जैसे कोकिंग कोल होती है, तो ये दोनों के दोनों वेस्टेज होती है, लेकिन एक्चुअल में दे आर एनर्जी सोर्स, ये एनर्जी सोर्स होती है और इससे हम लोग अपनी एनर्जी को निकाल सकते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग दीज टू सोर्सेज, इन दोनों सोर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी ज्यादा इस समय फोकस कर रही है। आप देख सकते हैं कोकिंग कोल को भी इस समय काफी ज्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है, साथ ही साथ कोल बेड मीथेन को भी गवर्नमेंट ने इस समय काफी फंड दिया हुआ है कि आप लोग इसको एक्सट्रैक्ट करिए, इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करिए। अब थोड़ा सा अगर कोकिंग कोल के बारे में या फिर कोल बेड मीथेन के बारे में बात कर लें, इट इज एन अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस फाउंड इन कोल डिपॉजिट, इट इज कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव सोर्स फॉर ऑगमेंटिंग इंडियाज एनर्जी रिसोर्स। बात करें अगर इंडिया के सोर्स में क्या है, तो इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट प्रूवन कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड एंड दस होल्ड सिग्निफिकेंट पर्पस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सीबीएम। अगर बात करें कहां से निकाला जाता है, तो ये निकाली जाती है दामोदर कोल वैली एंड सोन वैली से। तो दिस इज बेसिकली कहां कहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार के आसपास के एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां से हम लोग कोल बेड मीथेन निकाल रहे होते हैं। अगर थोड़ा सा कोल बेड मीथेन के बारे में अगर आपको आइडिया दिया जाए, तो सपोज मान लेते हैं कि यह हमारी सरफेस है और यहां सरफेस पे ही एक टेस्ट किया गया, टेस्ट के माध्यम से ये पता चला कि इस एरिया में पेट्रोल के प्रोडक्ट हैं, तो यहां पर जो भी साइंटिस्ट और इनफैक्ट ड्रिलर्स होंगे, जो भी ड्रिलिंग कर रहे होंगे, वो यहां पे आएंगे और बेसिकली एक होल कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू सबसे पहले मीथेन गैस को निकाल दी जाती है, अदरवाइज एक्सप्लोड होने का काफी ज्यादा डर रहता है। फिर हम लोग यहां से नेचुरल गैस वगैरह को निकाल लेते हैं। नेचुरल गैस के बाद क्या होता है कि वी आर एक्सप्लॉयटिंग द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अगर पेट्रोलियम है तो, अदरवाइज यहां से हम लोग सीबीएम कोल बेड मीथेन को फटाफट निकाल लेते हैं, एक्सप्लॉयट कर लेते हैं, एंड दिस इज हाउ द थिंग गोज ऑन। हम लोग इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, फिर अल्टीमेटली इसको भेज दिया जाता है रिफाइनिंग के लिए, और रिफाइन होने के बाद फिर हम लोग इसको यूज कर लेते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। क्लियर हो गया कोल बेड मीथेन के बारे में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी ग्रीन को रेटिंग। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते होंगे ग्रीन हाउसिंग, ग्रीन हाउस एक रेटिंग होती है जो कि दी जाती है किसके द्वारा, गृहा के द्वारा, GRIHA गृहा के द्वारा दी जाती है, और ये बेसिकली टेरी के द्वारा सपोर्टेड है, टेरी और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी MNRE के द्वारा ये एक तरीके से प्रमोटेड होती है। यहां पर होता क्या है, हाउस को देखा जाता है कि कितना ज्यादा वो ग्रीन बिल्डिंग, मतलब कि एनवायरमेंट फ्रेंडली कितनी ज्यादा है, कितना फ्लाई ऐश का यूज किया गया है, कितना इसमें सपोर्ट सिस्टम है कि ये सेल्फ कूल रह सकता है। जैसे अगर आप एसी लगाते, अगर रूम गर्म होता, लेकिन इसकी बनावट, इसका ओरिएंटेशन इस तरीके से रखा जाता है कि ये पूरा का पूरा कमरा, जो रूम है, वो अपने आप कूल रहे, ताकि जो भी यहां पर अप्लायंसेस लगाए जाए वो कम से कम लगाने की जरूरत पड़े या फिर कम से कम चलाने की जरूरत पड़े, जिससे कि एनवायरमेंट क्लीन रहे। सिमिलरली कंपनी की भी रेटिंग की जा रही है इसी तरीके से, और ये ग्रीन को रेटिंग निकाली गई है जिसका नाम है ग्रीन कंपनी, यानी कि वो सारी कॉरपोरेट कंपनीज जितनी भी काम कर रही होती हैं उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट अवेयर बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन किया जा सके, एंड दिस इज हाउ द ग्रीन रेटिंग, ग्रीन को रेटिंग इज। तो इट इज टू फैसिलिटेट इंडियन इंडस्ट्री मेक अ सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट इन देयर एनवायरमेंट परफॉर्मेंस, देयर बाई सेविंग बोथ नेचुरल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। द सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाई CII, ये एक CII के द्वारा डेवलप किया गया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप किया गया है। CII क्या होता है, ये एक तरीके से होती है प्रेशर ग्रुप विच मेक्स प्रेशर ओवर द गवर्नमेंट, दिस डज नॉट डायरेक्टली इंटरफियर इन टू द पॉलिटिकल सिस्टम बट इनडायरेक्टली इट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल सिचुएशन, जो भी चीजें होती है उसके बारे में, ठीक है। बाकी इसके डिटेल के बारे में हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज है, दैट इज इन प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज, क्लियर। चलिए खैर, तो ये हुई हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे कुछ और भी करंट अफेयर्स रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स है, दैट इज एक है हमारी जो कॉटन के बारे में है, तो व्हाइट फ्लाइज रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ कॉटन। एक्चुअली द कॉटन फील्ड के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए, कॉटन जो कि एक ब्लैक सॉइल क्रॉप है, और ये बेसिकली होती है हमारी पेनिनसुलर इंडिया में, और वो भी पेनिनसुलर इंडिया में कहां पर, और ये होती है बेसिकली कहां पर, डेक्कन में, डेक्कन ट्रैप या डेक्कन इंडिया में, जिसमें गुजरात आ जाती है, महाराष्ट्र आ जाती है,
सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश आ जाता है, कर्नाटक आ जाती है एंड सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश आ जाती है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर ब्लैक क्रॉप पाई जाती है और कॉटन होती है। इसके अलावा अगर आइलैंड में बात करें तो अंडमान एंड निकोबार, ये पूरा का पूरा आइलैंड ही कॉटन ग्रोइंग रीजियन के क्षेत्र में आ जा रहा होता है। अब देखिए कॉटन के साथ होता क्या है कि काफी अच्छी क्रॉप है, काफी अच्छा सब कुछ अच्छा है, एक्सपोर्ट के लिए भी काफी अच्छा है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम है इस पर बॉलवॉर्म का अटैक हो जाता है। बॉलवॉर्म के अटैक होने के कारण से ये क्रॉप खराब हो जाती है। बॉलवॉर्म क्या है, एक तरीके की फ्लाइज है, एक तरीके का कीड़ा है जो बेसिकली इस पूरे कॉटन क्रॉप को खराब कर देता है। तो एज पार्ट ऑफ रिजल्ट हमने क्या किया, हमने फिर इस पे पेस्टिसाइड का अटैक करना, मतलब कि पेस्टिसाइड्स वगैरह हमने छिड़कना शुरू कर दिया, जिससे कि बॉलवॉर्म तो मर गए बट यहां पर नए पेस्ट का अटैक होना शुरू हो गया। नाउ न्यू पेस्ट आर स्टार्टेड अटैकिंग ऑन द क्रॉप। फिर हमने क्या किया, हमने फिर जीएम क्रॉप बना लिया। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने क्रॉप बना लिया। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जब क्रॉप बनाया तो इससे हुआ क्या कि जो जो क्रॉप के बारे में, जो जो पेस्ट के बारे में हम लोग जानते थे, वो पेस्ट ने तो अटैक नहीं किया बट न्यू पेस्ट स्टार्टेड अटैकिंग ओवर द क्रॉप। अब जैसे उसी तरीके से आई हमारी व्हाइट फ्लाइज, अब ये व्हाइट फ्लाइज का यहां पर अटैक होना शुरू हो गया है। अब क्या होगा, अब इस जीएम क्रॉप को वापस से रीमोडिफाई किया जाएगा। और ये रीमोडिफाई कैसे किया जाएगा, देखिए ध्यान से। अब रिसेंटली NBRI दैट इज नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, हैज डेवलप्ड अ व्हाइट फ्लाई रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप। तो अब ये न्यू जीएम क्रॉप रिन्यूएबल मतलब रीमोडिफाइड जीएम क्रॉप बना दिया गया है। इसमें किया क्या गया है, इसमें किया ये गया है, ये जो व्हाइट फ्लाइज है ये बेसिकली ऐसा देखा गया है कि ये जो एक तरीके का फर्न होता है, एक तरीके का पेड़ है जिसका ये पत्ती होती है, टेक्टेरिया मैक्रोडोंटा। तो ये बेसिकली इस नाम नहीं याद रखना है, दिस इज बेसिकली अ फर्न जिसको, जो व्हाइट फ्लाइज के लिए घातक होती है, डेंजरस होती है। तो इसके प्रोटीन को निकाल करके इसी से जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बना दी गई है। दिस इज नॉट डेंजरस फॉर ह्यूमन, मैनकाइंड के लिए नहीं जरूर नुकसानदेह है, क्योंकि कई कंट्रीज में जैसे नेपाल वगैरह में इसको एक सलाद के तरीके से खाया जाता है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम काफी अच्छा बना होता है। तो दस इट इज क्लियरली शोज दैट प्रोटीन इज स्पेसिफिकली टॉक्सिक टू व्हाइट फ्लाइज एंड डज नॉट कॉज एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द अदर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड हनी बीज। तो इस तरीके से बाकी लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं है, केवल और केवल व्हाइट फ्लाइज के लिए। देखिए जीएम क्रॉप के बारे में अगर आपको आइडिया ना हो या जीएम क्रॉप में आपको प्रॉब्लम हो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन, ऊपर देखिए आई बटन बन के आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करके इसकी वीडियो को वॉच कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और इनफैक्ट जो डिस्कशन भी किया गया वो पास्ट ईयर के बेसिस पे ही, पास्ट ईयर के ही एक एनालाइज करके क्वेश्चंस को तब बनाया गया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच दैट क्लास, तो उसको देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा अगला करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स हमारा है हुबली अंकोला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, एक नया स्थापित किया गया है जो कि कर्नाटका की गवर्नमेंट कर रही है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो प्रभावित होंगे, जिसके कारण से जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो अब वापस से दंगे करने, दंगा इन द सेंस कि वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए हैं। तो अब क्या है इसके बारे में देख लीजिए, कर्नाटका सीएम हैज अप्रूव्ड द हुबली अंकोला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट डिस्पाइट अपोजिशन बाय सेवरल मेंबर्स ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। द रेलवे लाइन पासेस थ्रू डेंस फॉरेस्ट बिटवीन टू मेजर प्रोटेक्टेड एरिया, काली टाइगर रिजर्व और बिदथी कंजर्व रिजर्व विच आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो इन दोनों को ये परेशान करेगा, इन दोनों के लिए थोड़ा सा थ्रेटनिंग सिचुएशन है, बट ये हमारी प्रोजेक्ट होती है। तो इस तरीके से हम आपसे क्वेश्चन क्या पूछा सकता है, आपसे पूछा सकता है इन दोनों के बारे में, और ये पूछा सकता है कि ये जो रिसेंट में रेलवे लिंक लगाई गई है वो किस स्टेट में हो रही है। तो आपको स्टेट का नाम पता होना चाहिए और ये सब चीजें क्लियर हो गया क्या चीज है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए हमारे हेल्थ के बारे में है, और यहाँ पर एक डिसीज आ जाती है हंटिंगटन डिसीज। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है ये भी, एक तरीके से बोल सकते हैं दिस इज मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए दिस इज आवर हेड, मान लेते हैं हमारा हेड है, हेड में हमारी माइंड होती है, और आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो माइंड के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, एक होती है जो लेफ्ट होती है, एक राइट होती है, और एक होती है मिड पार्ट होती है। इस राइट पार्ट से मेड्यूला जुड़ी होती है, और मेड्यूला के थ्रू हमारी पूरी की पूरी बॉडी या कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड पहले जुड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है, और फिर अल्टीमेटली क्या होती है, बाकी के सारे जितने भी जहां पर भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही होती है।
तो बेसिकली आपको कोई भी एक्शन लेना है, जैसे कई बार तवे पे हाथ रखते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पता लगता है कि ये तवा तो गर्म है और हमारा हाथ जल रहा है। होता क्या है, जो भी ये सारी इंफॉर्मेशन होती है हीटिंग की या फिर स्किन के थ्रू जो भी चीज पहुंच रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन जब तक माइंड को जाती नहीं है तब तक माइंड एक रिएक्शन फोर्स नहीं जारी करता है। और जैसे ही रिएक्शन जारी हो जाएगी वैसे ही आपको हाथ को सिग्नल मिल जाएगा कि इसको हटा लेना है। तो ये सारा का सारा काम किया जाता है इस एक स्पेशल टाइप ऑफ जीन के माध्यम से, जीन बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए हार्मोन के माध्यम से, दैट इज HTT। ये HTT क्या होती है, हंटिंगटन एक एंजाइम कह लीजिए, हंटिंगटन एक तरीके की हार्मोन होती है जिसके बेसिस पे ये का सारा काम किया जाता है। जब कभी बिकॉज ऑफ म्यूटेशन के कारण से जब भी ये जीन या कह लीजिए ये जो हार्मोन है अगर डिस्टर्ब हो जाता है तब फिर इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचनी है, जो भी रिएक्शन पहुंचनी है वो या तो नहीं पहुंच पाती है या फिर फॉल्टी पहुंचती है, गलत तरीके से पहुंचती है। तो जब गलत तरीके से आप पहुंचेगी तो आपका रिएक्शन भी गलत तरीके से होगा और अल्टीमेटली आपको एक मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट घोषित कर दिया जाएगा। अगर बात करें मेंटल डिसऑर्डर कैसे होता है, तो दिस इज बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि बाय बर्थ हो रही होती है या फिर म्यूटेशन के दौरान हो रही होती है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग थोड़ा सा इसके डिटेल देख लेते हैं। तो हंटिंगटन डिसीज इज अ प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर विच अफेक्ट द ब्रेन, ठीक है। इट कॉज अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ बैलेंस एंड मूवमेंट, अ डिक्लाइन इन कॉग्निटिव एबिलिटीज, डिफिकल्ट इन कंसंट्रेशन एंड मेमोरी लैप्स। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। इनफैक्ट कई सारी मूवीज में आपने देखा भी होगा कि इस तरीके की डिसीजेस होती रहती हैं। ओके, तो अ टीम ऑफ साइंटिस्ट हुआ कि न्यूज में क्या आया है, क्योंकि अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम द नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे स्टडीड द HTT जीन इन फ्रूट फ्लाइज, म्यूटेशन लेड टू दिस डिसीज। तो खैर इसके लिए कॉन्टेक्स्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि आपको डिसीज के बारे में पता होना चाहिए क्या चीज है। अगर इसके बारे में बात करें क्या इसका इलाज संभव है, तो देखिए देयर इज नो क्योर एग्जिस्ट, कोई भी क्योर नहीं है फिलहाल के लिए, बट ड्रग्स फिर उसके बाद साइकोथेरेपी एंड टॉक थेरेपी आर मैनेज सम ऑफ द सिम्टम। तो ये बेसिकली क्या है, केवल और केवल बातचीत करके और बिहेवियरल कनेक्शन के जरिए इसके इलाज को ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो दिस इज हाउ द थिंग इज, ये हमारा हुआ पूरा हंटिंगटन डिसीज के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी नेक्स्ट है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल। एक्चुअली क्या है, हमारे यहां पर चाहे आप पुलिसिंग के बारे में बात करिए या फिर हमारे इंटेलिजेंस के बारे में बात करिए, जितनी भी ये सारी चीजें होती हैं फॉरेंसिक पे डिपेंड करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ फॉरेंसिक के लिए कुछ खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है जिसके कारण से हम लोग काफी पीछे रह जा रहे होते हैं। अब इसके डेवलपमेंट के लिए एक नई नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल लाई गई है जिसके जरिए हम लोग एक नई यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करेंगे। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, नई यूनिवर्सिटी हम लोग स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल एक जो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे पास उसी को हम लोग रिन्यू करके उसे ही एक फॉरेन साइंस यूनिवर्सिटी बना दे रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैड इंट्रोड्यूस द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल इन द लोकसभा। इट्स एम इज टू एस्टैब्लिश अ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एज एन इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस बाय अपग्रेडिंग गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन गांधीनगर। तो देखिए यहां पर दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक पूछा जा सकता है कि किसको ये कर रहे हैं, किसको ये अपग्रेड कर रहे हैं, और दूसरी क्या चीज है ये। क्लियर हो गया क्या चीज है, तो ये हो जाती है हमारी फॉरेन साइंस के बारे में। इंडिया में क्या होती है कि डंडे के भाषा के आधार पर इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे इज व्हाट, इट इज द फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस के जरिए हमें इंफॉर्मेशन को निकालना चाहिए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आ जाती है हांता वायरस। तो देखिए अभी फिलहाल में COVID-19 फैला ही फैला था तब तक एक नया वायरस दस्तक दे दिया चाइना के दरवाजे पे जिसका नाम था हांता वायरस। तो देखिए हांता वायरस कुछ नया वायरस नहीं है, काफी पुराना वायरस है, इनफैक्ट यूएस वगैरह हर जगह पर ये फैला हुआ है। तो ये 2003 से ही यूएस में है, बट द मेन कह लीजिए कि इसमें चीज क्या है, अच्छी चीज क्या है, अच्छी ये है कि यहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन इसका किसी भी तरीके का ये ट्रांसफर नहीं है। तो होता क्या है, हांता वायरस आर ए फैमिली ऑफ वायरस विच आर स्प्रेड मेनली बाय रोडेंट्स। रोडेंट्स का मतलब जैसे चूहे वगैरह हो जाते हैं, तो चूहे से ये फैल जाता है।
It does not spread from one person to another, but it can be contracted if someone comes in contact with a rodent that carries the virus. तो basically चूहे से ये फैल जाता है, अगर rodent के संपर्क में आप आ गए तो आपको फिर virus हो जाएगा. अगर हो जाता है तो there is no specific treatment, cure or vaccine for hanta infection, same like COVID के लिए. तो COVID के जिस तरीके से ही ये भी problematic है. एक्चुअली फिलहाल में अभी रिसेंट में जब भी ये न्यूज में आया था उसमें ये कहा जा रहा था कि जो हांता वायरस पहले हुआ करता था उससे ये मॉडिफाइड वर्जन का है, क्योंकि यहां पर मैन टू मैन ट्रांसफर देखा गया है, मैन टू मैन ट्रांसफर. बट स्टिल अभी इस पर कुछ रिसर्च हुई नहीं, तो आप ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए यूपीएससी में आप समझ सकते हैं कि नहीं आने वाला है, क्योंकि दिस इज वेरी 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 एम्बिगुअस. तो इस वजह से ये सारा का सारा चीज नहीं पूछा जा सकता है. बट हाँ, पूछा ये जा सकता है किससे क्या फैलता है, मैच द फॉलोइंग करके आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं. क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे पास कुछ रिपोर्ट एंड इंडिसीज है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है, दैट इज यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और इनफैक्ट ये 2012 से आना शुरू भी हो गया था. ये निकाली जाती है SDSN के द्वारा. SDSN क्या है? SDSN मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, जो कि 2012 में लॉन्च की गई थी टू मोबिलाइज ग्लोबल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज टू इंप्रूव प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट. एक्चुअली अगर हैप्पीनेस के बारे में बात करें तो हैप्पीनेस का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री कितना ज्यादा हैप्पी है, कितना ज्यादा सेटिस्फाइड है बेसिकली. तो इसको देखा जाता है हमारे इस हैप्पीनेस रिपोर्ट के द्वारा. तो रैंकिंग आर बेस्ड ऑन पोलिंग विच लुक्स एट 6 वेरिएबल. कौन कौन से वो 6 वेरिएबल हैं? एक है GDP पर कैपिटा, तो बेसिकली पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे आप बोल सकते हैं. सेकेंड वन इज सोशल सपोर्ट, थर्ड वन हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन. तो दीज आर 6 पैरामीटर जिसके बेसिस पे हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली जाती है. तो ये हुआ हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में. यहां पर अगर बात करें कि टॉप कंट्री कौन सी है, तो टॉप कंट्री ऑब्वियसली स्कैंडिनेवियन कंट्री या नॉर्डिक कंट्री आप बोल सकते हैं, जहां पर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सारी कंट्रीज होती हैं जो टॉप कर रही होती हैं. इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया देखिए अभी अगेन पुअर पोजीशन होल्ड किया हुआ है. नियरली 106 रैंक इसकी यहां पर है, लेकिन रैंक आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. आजकल यूपीएससी में पैरामीटर पूछे आ रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया, और आप इसको याद रखिएगा. क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे देखिए कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड हमारे पास करंट अफेयर्स हैं, उसमें एक पहला है डिफेंस को और ज्यादा एम्पावर करने के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस. है क्या ये? आईडेक्स इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री. जैसे आप लोगों ने फिलहाल सुना होगा कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी के लिए या मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस के लिए एक अभी फिलहाल शिखटकर कमेटी लॉन्च की गई थी, बनाई गई थी, जिसने काफी रिकमेंडेशंस दिए थे और उन्होंने मॉडर्नाइजेशन के लिए बात कही थी. इट वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन 2018. इट एम्स टू प्रमोट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस बाय एंगेजिंग इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग MSME स्टार्टअप्स एंड बाकी सारी चीजें. इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा एक गोको मॉडल. तो गोको मॉडल, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मॉडल, प्राइवेट पार्टीज की एंट्री मॉडल, ये आप बोल सकते हैं गोको मॉडल बेसिकली. एंड दिस इज हाउ दीज टू थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, ये दोनों कनेक्टेड हो जा रहे होते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द करंट अफेयर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टू कनेक्ट करते रहिए चीजों को. कैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगी याद करना. आईडेक्स विल बी फंडेड एंड मैनेज्ड बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड विल फंक्शन एज अ एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ DIU. DIO क्या चीज है? देखिए DIO मतलब है जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स एंड भेल, ये दोनों मिलकर के इसको DIO बनाई हुई है, जो कि केवल और केवल डिफेंस के लिए काम कर रही होती है. क्लियर हो गया क्या चीज है? चलिए खैर आगे बात करते हैं. आगे हमारी है मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम. देखिए फिलहाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है जिसमें मार्केट भी काफी बड़ा है, और प्लस यहां पर एम्प्लॉयमेंट भी काफी अच्छी क्रिएट की जा सकती है. इसके लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी भी आ रखी थी 2018 की, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट खैर अब तो वो पुराना हो गया है, तो दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंस इन दिस एग्जाम, तो इसको छोड़ भी सकते हैं. फिलहाल अगर बात करते हैं EMC के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक
मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के बारे में. इट इज 2.0 इज अ स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द कॉमन फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर. तो ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, एमिनिटीज प्रोवाइड करने के बारे में ही बोलता है. इट विल हेल्प इंडिया टू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड. तो मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम इज इन लाइन विद द नेशनल पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 2018-19 में आई थी. करेक्ट कर लीजिएगा, 19 में आई थी. टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर मोबाइल एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग. तो दिस इज हाउ द लिंक इज, द स्कीम इज लिंक्ड विद दिस पॉलिसी. क्लियर हो गया क्या चीज है? इंडिया का अगर शेयर बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग राइट डाउन करके याद भी कर लीजिएगा कि इंडिया का जो शेयर है इन ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ये बढ़ गया है 1.3 से 3% पे. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन अकाउंट फॉर 2.3 प्रोडक्शन ऑफ इंडिया जीडीपी एट प्रेजेंट. क्लियर हो गया क्या है, इसको याद रखिएगा डेटा. नेक्स्ट हमारी आती है नेशनल डिफेंस, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल. देखिए बहुत ही छोटा सा कुछ करंट अफेयर्स है. इट इज एन इंस्टीट्यूट अंडर इंडियन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इट इज बेसिकली द नोडल एजेंसी फॉर डिसीज सर्विलांस फैसिलिटेटिंग प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. ये है क्या, जैसे फिलहाल अगर कोविड फैला हुआ है कोविड-19, अब ये कोविड को कंटिन्यूअसली सर्विलांस करेंगे, चेक करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि भाई क्या कुछ यहां पर हो रहा है. और यही बेसिकली इस पूरे के पूरे सिस्टम का काम है. याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम कर रही होती है. हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है एंड इट अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिसीज आउटब्रेक ऑल ओवर द कंट्री. क्लियर हो गया क्या चीज है? तो दिस वॉज द करंट अफेयर्स, हम लोगों ने पूरा करंट अफेयर्स देख लिया है. और दिस वॉज द ऑल अबाउट टूडेज क्लास. टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो काइंडली ज्वाइन करके वहां से अपने डाउट रेज करिए. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.